अली अलैहिस्सलाम ने उस सांप को नन्हे हाथों से पकड़ा और चीर के दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम है रोहित पंडित। सो दोस्तों, आज की वीडियो एक हिस्ट्री वीडियो होने वाली है। उस वीडियो का टाइटल है इमाम अली एएस की विलादत का मौजा, द मिरेकल ऑफ इमाम अली एएस। चलो दोस्तों, मिलकर देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की दरबार में हाथों को उठाकर ये फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, तूने मुझे अपने दीन को फैलाने के लिए मुंतखब किया है। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे इस दीन का मुहाफिज अता फरमा, मुझे मेरा भाई अता फरमा। बस तारीख ने तहरीर किया कि अल्लाह के रसूल उन दिनों हजरत अबू तालिब के घर रहते थे। कुछ ही दिनों में अल्लाह के महबूब की दुआ अल्लाह पाक ने कबूल फरमाई और उसी घर में एक माँ बार बार ये कहने लगी कि मेरे पेट का बच्चा मुझे मजबूर करता है, जब भी मोहम्मद आते हैं मुझे कहता है उठो मेरी माँ, मेरे आका आ गए। वहाँ की औरतें हंसने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, पेट का बच्चा तुम्हें मजबूर करे। लेकिन उन्होंने देखा कि जब जब अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते तो वे भी फातिमा बिनते असद हजरत अबू तालिब की सोचा तावीम के लिए खड़े हो जाती और खड़े होके सलाम करती। औरतों ने मिल के कहा कि ऐ फातिमा, ये तेरा वहम है, मोहम्मद तो तुम्हारा भतीजा है। अब जब मोहम्मद आएगा तो हम तुम्हें पकड़ के रखेंगे, देखते हैं तुम उठती हो या नहीं। बस इतनी देर में जैसे ही अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दाखिल हुए, बीबी फातिमा बिनते असद ताजीम के लिए खड़े होके सलाम करने लगी और वो जो औरतें पकड़ के खड़ी थी वो इधर उधर गिरने लगी। पूरा घर हैरान हो गया और अल्लाह के रसूल सजदाए शुक्र करके फरमाते हैं, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। बस तीसा मिलफील 11 रजब को उस बच्चे के आने के अय्याम करीब आए, जब बीबी फातिमा बिनते असद ने तकलीफ को महसूस किया तो आप अल्लाह के घर की तरफ रवाना हुई और बीबी फातिमा बिनते असद ने खाना काबा का तवाफ करना शुरू कर दिया। ये मंजर हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि बीबी फातिमा बिनते असद तवाफ करते करते जब रुकने यमनी तक पहुंची तो इतनी देर में खाना काबा की दीवार में शिगाफ पड़ा और वो शिगाफ इतना था कि एक इंसान उसमें अंदर जा सके। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि बीबी फातिमा बिनते असद खाना काबा की टूटी हुई दीवार में अंदर चली गई और फिर से वो दीवार मिलने लगी। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये मंजर देखा तो वो परेशान हो गए। वो इधर उधर भागने लगे, लोगों को बताने लगे कि अबू तालिब की बीवी खाना काबा के अंदर चली गई। यहाँ तक कि ये बात पूरे मक्के में हर खास व आम को मालूम होने लगी। हजरत अबू तालिब और अल्लाह के रसूल और सरदार मक्का और कुरैश के सारे लोग खाना काबा के दरवाजे को खोलने लगे तो किसी से खाना काबा का दरवाजा न खुले। सब लोग परेशान होने लगे लेकिन अल्लाह के रसूल और हजरत अबू तालिब मुतमईन होके बैठ गए। तारीख ने लिखा कि ये वाकया मक्के से पूरे अरब में फैलने लगा और दूर दूर से लोग काबा की तरफ आने लगे कि ये क्या हो गया, खाना काबा के अंदर अबू तालिब की बीवी चली गई, वो भी दीवार से और उसके पेट में बच्चा है। यहाँ तक कि 3 दिन गुजर गए। अरब की सरजमीन पे इतने ज्यादा लोग पहले कभी जमा नहीं हुए थे। तारीख 13 रजब 30 आमिल फील लोग नजरे जमाए खाना काबा को देख ही रहे थे कि इतनी देर में दीवारे काबा फिर से हिलने लगी और वही शिगाफ फिर से जाहिर हुआ। लोग हैरान होके देखने लगे और फिर हजरत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से फरमाया, ऐ मोहम्मद, जाओ देखो अल्लाह के रसूल जब अपने मुबारक कदमों से उस शिगाफ से खाना काबा के अंदर गए तो देखा बीबी फातिमा बिनते असद की गोद में एक नूरानी बच्चा मौजूद है। जैसे ही बीबी ने अल्लाह के रसूल को देखा तो फरमाया, ऐ मोहम्मद, ये बच्चा न रोता है न
जितना दूध पीता है। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा के ये फरमाने लगे, ऐ मेरी माँ, इस बच्चे को मुझे दो। अल्लाह के रसूल ने उस नन्हे बच्चे को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही वो नूरानी बच्चा अल्लाह के रसूल की गोद में आया, अपनी आंखें खोलने लगा। अल्लाह के रसूल ने उस नूरानी बच्चे को देखा, उस नूरानी बच्चे ने अल्लाह के रसूल को देखा। फिर अल्लाह के रसूल ने अपनी मुबारक जबान उस बच्चे के मुंह में दी और वो बच्चा अल्लाह के रसूल की जबान चूसने लगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस नूरानी बच्चे को विलादत के लिए घर दिया है, इस बच्चे को नाम भी वही देगा। फिर जैसे ही अल्लाह के रसूल ने अपनी गोद में उस बच्चे को लेके बाहर की तरफ आने लगे, लोगों ने पूछा, क्या है, कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह की तरफ से इस बच्चे की विलादत भी अली है और इस बच्चे का नाम भी अल्लाह के हुक्म से आज से अली है। सारा अरब झूमने लगा कि कैसा शहजादा अल्लाह ने हमें अता किया, ये हमारे लिए फख्र बनेगा कि जनाबे अबू तालिब ने बच्चे के सर को चूमा। और घर की तरफ बढ़ने लगे तो अरब के बुजुर्ग हजरत अबू तालिब के पास आए और कहने लगे, ऐ सरदारे मक्का, हम जो रस्म करते हैं हर बच्चे की विलादत पे, वो तो हमने नहीं की। हम हर बच्चे को पत्थर पे सुलाते हैं और फिर एक सांप छोड़ते हैं। अगर सांप बच्चे को खा जाता है तो हम कहते हैं वो बच्चा हमारा नहीं था, लेकिन अगर सांप बच्चे को नहीं खाता तो हम कहते हैं ये बच्चा हमारे लिए फख्र का सबब बनेगा, ये अपने बाप की औलाद है। तो क्या अपने बच्चे की ये रस्म नहीं करवाओगे? बस जनाब अबू तालिब ने मुस्कुरा के उन लोगों को देखा और फरमाने लगे, ऐ लोगों, जो रस्म करना चाहते हो वो करो। ये कह के हजरत अबू तालिब ने अपने शहजादे को एक पत्थर पे सुला दिया। उन लोगों ने मिलके एक सांप उस बच्चे की तरफ छोड़ा। वो सांप आते आते जैसे ही उस बच्चे के करीब आया, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस सांप को नन्हे हाथों से पकड़ा और चीर के दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया। अरबी में सांप को कहते हैं हैया और किसी चीज को चीर के फाड़ने को कहते हैं दर्रा। लोग दूर से कहने लगे, हैया दर्रा, यानी वो सांप उस बच्चे ने चीर दिया। जो जो सुनता रहा वो कहता रहा, हैया दर्रा, हैया दर्रा। और ये आवाज इतनी बुलंद होने लगी कि फिजा में दूर से हैदर 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 सुनाई देने लगी। ये मंजर अभी कायम था कि आपकी वालदा मोहतरमा ने मुस्कुरा के ये फरमाया कि ये मेरा बच्चा हैदर है, वो शेर जो सांप को चीर दे। आज भी खाना काबा में उस दीवार टूटने का शिकाफ कायम है। तमाम अहल बैत के चाहने वालों को अल्लाह के रसूल के मुहाफिज, अल्लाह के घर में पैदा होने वाले अल्लाह के शेर अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक। भाई जो स्टोरी थी ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। जो इसमें वाक्य बताया कि जो हजरत अली जब बच्चे थे, जब वो पैदा होने वाले थे, उनसे रिलेटेड उनके जो लाइफ में क्या क्या हुआ, जब वो बर्थ में थे, बर्थ लाइफ में थे, क्या क्या, वो सब जो स्टोरी थी वो इस वाक्य में बताया है। हाँ, क्योंकि जो हमने ये स्टोरी आज से कभी पहले नहीं सुनी, मगर जो आज ये स्टोरी सुनी और सुन के हमें इतना अच्छा लगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो हमने इसके वाक्य सुने, जो जो इसमें रस्में निभाई गई हैं और जो जो मतलब की शक्तियाँ इसमें यूज़ हुई हैं, जैसे शक्तियाँ दिखाई गई हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। जैसा कि स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि जो उनकी जब जो फातिमा के जो उनके पेट में थे, तो ये मतलब जो पेट में जो ये थे वही उनको मतलब एक तरह से उनको इशारा देते थे कि जब भी जो उनके जो गोड थे वो हजरत मोहम्मद आते थे तो वो उनको उठ कहते कि भाई उठो और उनको मतलब नमस्ते या कुछ करो उनको। हाँ, और दूसरे सबसे इंटरेस्टिंग वाक्य तो यह लगा जब वो मक्का की दीवार जो फट जाती है और फिर वो औरत चली जाती है बच्चे के समय, तो पूरे गांव में हल्ला होता है, पूरी दुनिया में हल्ला होता है कि एक औरत दीवार के अंदर चली गई है और सारी दुनिया उनको देखने के लिए वहीं वेट करती है। और तो तीन दिन बाद फिर वो दीवार दोबारा से खुलती है और वो औरत एक बच्चा लेके आती है। वहाँ इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि वो बच्चा ना तो कोई हंस रहा होता है, ना रो रहा होता है, ना वो माता का दूध पी रहा होता है।
हाँ, और जब उन्हें जो वो मतलब जो जो उनके जो गोड है वो बाहर लेके आते हैं उनसे, तो उनसे पूछते हैं जो उनके जो लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम तो भाई जब भी कोई यहाँ पे हमारे गांव में बच्चा होता है तो हम टेस्ट करते हैं कि उनको जो एक एक जो सांप होता है वो छोड़ देते हैं, अगर वो उसको खा लेता है तो वो समझता है कि ये बच्चा मतलब उनकी बराबरी का नहीं था, और अगर छोड़ देता है वो समझ फिर वो उनको अपना लेते हैं फिर उस बच्चे को। हाँ, और ये जो ये सांप वाला वाक्य बताया उस टाइम का, तो कितना इंटरेस्टिंग और शॉकिंग था। मतलब कि एक छोटे बच्चे पे ऐसे जो आप सांप छोड़ के उसके इंतजाम ले रहे हो, तो कितना डेंजर हुआ करता उस टाइम में, कि उन्होंने सांप को बीच से फाड़ दिया और पूरे जो वहाँ के लोग थे वो देख के हैरान रह गए और वो हैदर हैदर कह के चिल्लाने चिल्लाने लगे। लगे, और जिससे उनकी माँ ने उनको नाम दिया हैदर। सो दोस्तों ये जो वीडियो थी काफी हमें अच्छी लगी, और दोस्तों आई होप ये जो वीडियो है आपको भी अच्छी लगी होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो का अंत करते हैं।